आमतौर पर भारतीय घरों में लोग एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, रत्ती भर। यह शब्द लगभग हर जगह कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। आपने भी इस शब्द को बोला होगा और बहुत लोगों की जुबान से सुना भी होगा। कभी किसी पर गुस्सा आता है तो हम कह देते हैं कि तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आई। लेकिन क्या आपने कभी इस रत्ती का मतलब जानने की कोशिश की है? आखिर ये शब्द आया तो आया कहां से और इसका मतलब क्या होता है? बहुत बार हम रत्ती का मतलब थोड़ा सा कम समझ लेते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक परिभाषा या कहे तो यह वास्तविक रूप में बिल्कुल ही अलग है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यह एक प्रकार का पौधा है, रत्ती का पौधा है, और रत्ती के दाने काले और लाल रंग के होते हैं। यह बहुत आश्चर्य का विषय सबके लिए है। जब आप इसे छूने की कोशिश करेंगे तो यह आपको मोतियों की तरह कड़ा प्रतीत होगा और यह पक जाने के बाद पेड़ों से गिर जाता है। ज्यादातर आप इसे पहाड़ों में ही पाएंगे। रत्ती के पौधे को आम भाषा में गुंजा कहा जाता है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसमें मटर जैसी फली के दाने होते हैं। जब लोगों ने इसमें रुचि दिखाई और इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो सामने आया कि प्राचीन काल में या पुराने जमाने में कोई मापने का सही पैमाना नहीं था। इसी वजह से रत्ती का इस्तेमाल सोने या किसी जेवरात के भार को मापने के लिए किया जाता था। वही सात रत्ती सोना या मोती माप के चलन की शुरुआत मानी जाती है। और आपको बता दें कि यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशियाई महाद्वीप में होता आ रहा था। अभी की भी बात करें तो यह विधि या कहे तो इस मापने की विधि को किसी भी आधुनिक यंत्र से ज्यादा विश्वसनीय और बढ़िया मानी जाती है। आप इसका पता अपने आसपास के सुनार या जौहरी से भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप रत्ती के पत्ते को चबाना शुरू करें तो मुंह में होने वाले सारे छाले ठीक हो जाते हैं। साथ ही साथ जड़ को भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपने कई लोगों को रत्ती गुंजा पहनते हुए भी देखा होगा। कुछ लोग अंगूठी बनवा देते हैं तो कुछ लोग माला बनाकर इसे पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह एक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इसकी फली की आयु कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन जब आप इसके अंदर के उपस्थित बीजों को लेंगे और उनका वजन करेंगे तब आपको हमेशा यह आपको एक समान ही दिखेगा। इसमें एक मिलीग्राम का भी फर्क कभी नहीं पड़ता है। इंसानों की बनाई गई मशीन पर तो कभी कभी भरोसा उठ भी जाए और यंत्र से गलती हो भी जाए, लेकिन इस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। प्रकृति द्वारा दिए गए इस गुंजा नामक पौधे के बीज की रत्ती का वजन कभी इधर से उधर नहीं होता है, मगर वजन मापने की आधुनिक मशीनों को देखा जाए तो एक रत्ती लगभग 0.121497 ग्राम की हो जाती है। हमारे हिमाचल में बहुत होता था ये, पर मानव अब प्रकृति पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते बहुत सी चीजें लुप्त होती जा रही है, जिनमें
रत्ती भी शामिल है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये ज्ञान, नया ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो औरों तक जरूर पहुंचाए। धन्यवाद।